हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी में। इस चैनल पे हम बॉटनी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट और टॉपिक में चर्चा करते हैं। तो जो लोग जो स्टूडेंट्स 11th 12th या नीट और नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो UG PG के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे सारे वीडियोस खास हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच वीडियोस एंड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम अभी वाटर और डिफ्यूजन के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, हमने पहले बताया हम वाटर और डिफ्यूजन को पूरी डिटेल में एक एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हर प्लांट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, जल एक क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होता है और ये सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्लांट्स में 80 से 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो वाटर के अंदर ही रहते हैं, तो उनके लिए यह संभव ही नहीं हो सकता कि वो बिना वाटर के एक मिनट भी रह पाए, है ना। जैसे ही उनको अगर वाटर से वाटर बॉडी से निकाला जाए तो वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर का इम्पोर्टेंट क्या है, मेन इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो वाटर को हमारे लिए खास बनाती है, मतलब प्लांट्स के लिए खास बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल के में जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसमें क्या होता है, 80 से 85% तक प्लांट सेल में वाटर होता है। जो वाटर है उसी के थ्रू जो है प्लांट्स में मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और उसी वाटर का अगर वाटर में करंट ना हो तो उसके थ्रू एसेंट ऑफ सैप भी संभव नहीं है, अर्थात एसेंट ऑफ सैप के लिए भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए भी वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लांट के सेल में टर्जिडिटी के लिए भी वाटर सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ठीक है, यानी जो सेल्स हैं वो फुली फैलाव रहता है, फैला हुआ रहता है, ये किसके कारण होता है, वाटर के कारण ही होता है। ठीक है, ये जो है एक सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है प्लांट में। प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के में भी वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कोशिकाओं में जो है कोशिकाओं की जो एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन है वैक्यूल। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, तो ये वैक्यूल में क्या होता है, 90 से 95% तक वाटर होता है और कुछ डिपोजिशन होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट है वाटर। ठीक है, स्टोमेटा के मूवमेंट यानी स्टोमेटा का बंद होना और खुलना ये किससे नियंत्रित होता है, ये भी वाटर से ही नियंत्रित होता है। ठीक है, पानी की कमी या अधिकता जो है उनके डेवलपमेंट में प्रभावी होता है। फ्लावरिंग फ्लावरिंग में जो है वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वाटरिंग से ही क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। किसी भी प्लांट के बर्ड को अगर हम पानी में डुबा दिया जाए, उसको तोड़ के पानी में रख दिया जाए, तो क्या होता है, कुछ समय बाद फ्लावरिंग जो है पूरी तरह से हो जाता है। ये किसके कारण होता है, वाटर के मूवमेंट के कारण ही होता है। जो बर्ड है उसमें वाटर को भरते रहता है, उनके सेल्स में जैसे ही जाता है तो वो क्या होता है, उसको खिला देता है। ठीक है, वाटर के जो अवेलेबिलिटी है प्लांट्स में, अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार पौधे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक्वेटिक, मीजोफिटिक और जीरोफिटिक। ठीक है,
एक्वेटिक वो जिनके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जो जल में डूबे रहते हैं या जल में ही रहते हैं तो उनको कहते हैं एक्वेटिक। जिनके लिए मध्यम आवश्यकता होती है जल की उसको कहते हैं मेसोफिटिक, और जिनके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है यानी बहुत ही कम जल में अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो उनको कहते हैं ज़ीरोफिटिक। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का वेपर के रूप में प्लांट की पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा बाहर आना, ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर ही मेन रोल अदा करता है। ठीक है, एंजाइम रेगुलेशन, एंजाइम रेगुलेशन क्या होता है, जल की जो अणु है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आयन्स बनते हैं ये जो है कई क्रियाओं को नियंत्रित या नियमित करने का कार्य करते हैं। ठीक, प्लांट्स में जो है कोई भी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जल वाष्प के यानी वेपर, वाटर वेपर के रूप में बाहर आ जाते हैं, उसी के साथ मिलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वाटर के लिए, वाटर में। अब देखते हैं वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वाटर जो है अगर उसकी केमिस्ट्री जाएँ तो कैसा होता है उसकी केमिस्ट्री, तो ये जो है हम पहले से लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O। ठीक है ना, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन एटम होता है और उसके दो हाथों के समान से यानी दो आर्म से जुड़े हुए रहते हैं दो हाइड्रोजन। ठीक है, एक एक आर्म में एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण दो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये दो माइनस चार्ज और भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और इनमें प्लस चार्ज आने से ये भी एक आर्म बन सकता है। ठीक है, या दूसरे माइनस चार्ज पार्टिकल से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इसी के कारण क्या होते हैं, जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेट्राहेड्रल संरचना में जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ, टेट्राहेड्रल संरचना इसको कहते हैं, या पिरामिड आकार का संरचना बन जाता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में देखें तो इसके एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद इनके जो पार्टिकल हैं इनमें चार्ज होने के कारण ये जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो इससे 104.45 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 95.8 पिकोमीटर। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के संरचना को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या भौतिक संरचना। भौतिक संरचना क्या होता है, जो कि हमें आँखों से दिखाई देता है या जिसे हम जान सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर में क्या क्या देखने या भौतिक रूप से इसकी जो संरचना है या इसके गुण हैं इसको देखें, तो सबसे पहला है इसकी रंग, और रंग व रूप, तो इसमें कोई रंग नहीं होता यानी ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई सुगंध नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है या इसका कह लो क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लग जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये ठोस रूप में आ जाता है।
इसकी डेंसिटी या घनत्व देखे, डेंसिटी या घनत्व में ये जो है 0 डिग्री पर 0.99987 होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर इस ताप को फिर बढ़ाते जाए तो 10 डिग्री तक आते आते फिर ये 0.99739 इतना हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लेने का मतलब यही है कि इसको हम बताना चाहते हैं कि ये जो है 0 से 10 डिग्री के बीच लगभग 1 तक होता है, लेकिन 4 डिग्री पर ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी दर्शाता है। ठीक है, यह एक आदर्श परिप्रेक्षण माध्यम होता है। ठीक है, डिस्पर्जल मीडियम होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें आसानी से घुलनशील होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस इज रीज़न फॉर ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक, इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि ये जो है आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक है, अपने अणुओं में टूट जाते हैं और आयंस बनाने का गुण रखते हैं। ठीक, ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, ये सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। इनमें जो अणु है, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि आसानी से अलग नहीं हो सकते। ये गुण इनका क्या कहलाता है, ससंजन गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, ससंजन गुण, ससंजन। ठीक है, इसी को कहते हैं कोहेजन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसी के कारण, इसी गुण के कारण प्लांट में एसेंट ऑफ सैप का जो क्रिया है वो संभव हो पाता है। ठीक है, एंजाइम कंट्रोल, एंजाइम कंट्रोल कैसे है, रासायनिक क्रियाओं में जो है यह एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, क्योंकि ये जो है जल में आयनीकृत होने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, आयन स्टिमुलेट द रिएक्शन, वही है। ठीक, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है एक भौतिक क्रिया है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाटर से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है हर सेल के में के अंदर होता है, इसलिए ये जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पीएच स्केल। सबसे पहले यहाँ बता दें कि पीएच को स्मॉल पी, एक मिनट, स्मॉल पी और कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ मेरा फॉन्ट ऐसे ही था इसलिए कैपिटल हो गया, तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या फिर इसको कैपिटल पी और स्मॉल एच, लेकिन स्मॉल एच कह रहा हूँ, इस प्रकार से नीचे में कैपिटल एच दर्शाया जाता है, लेकिन पी हमेशा क्या होगा, स्मॉल ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया पीएच, पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच जो है पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, इसकी खोज, ये पीएच स्केल स्केल की खोज 1909 में सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ये जो है 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट होता है 14। ठीक, 0 से लेके 14 तक पीएच होता है, मेनली हम लोग 1 से लेके 14 तक का देखते हैं। ठीक, अगर ये जो है इसके मध्य में क्या पॉइंट है, 1 से 14 के बीच 7, तो ये जो 7 पॉइंट है ये इसका मध्यम पॉइंट है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगर 7 से हम नीचे की ओर पीएच कम करें तो क्या, 7 से नीचे जो है इनका
अम्लीयता प्रदर्शित करता है और 7 से ऊपर जो है क्षारीयता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, पीएच क्या है, पीएच इज द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक, एक सिंपल भाषा में पीएच को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक आइडियल डेफिनेशन ले तो पीएच क्या हो सक होता है, पीएच इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोक्सिल भी होगा, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है, तो ये होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं पीएच के, जैसे कि 7 हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है क्या है, एसिडिक जो एग्जांपल है वो है, जैसे कि लेमन जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, एजेस्ट्रिक जूस है, मतलब HCl। ठीक है, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है उसका पीएच कितना होता है, 1 होता है, लेमन जूस का 2 होता है, ऑरेंज जूस का 3 होता है, टोमेटो जूस का 5 होता है, ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, सॉरी टोमेटो जूस का 4 और ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, यूरिन जो हमारा मूत्र है उसका 6 होता है। ठीक, फिर यहाँ से न्यूट्रल आ गए, न्यूट्रल के बाद अगर ऊपर की ओर चले अब तो बेसिक प्रॉपर्टी आ जाता है, तो बेसिक जैसे 7 के बाद 8 सी वाटर का होता है, 9 का बेकिंग सोडा। ठीक, अमोनिया सॉल्यूशन 11, सोपी वाटर 12 और ब्लीच का 13 और सबसे ज़्यादा होता है 14। ठीक है, जो कि अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कई सॉल्यूशन जो जैसे कि फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसका पीएच 14 तक हो सकता है। ठीक है, उसकी हम अब बात करेंगे हम प्लांट में जो वाटर होता है, सॉरी वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की। तो सबसे पहला है आयोनाइजेशन, ये जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में विघटित हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से मिलके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 और CO2 से मिलके क्या बनाता है, CO2 से मिलके हाइड्रोक्सिल अम्ल बनाता है, सॉरी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, H2CO3 से। ठीक,
गरम जिंक या आयरन से मिलके ये जो है इसके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, F2, Fe2, ठीक है, हाँ सॉरी, Fe2OH, ठीक। और एल्केनाइजेशन रिएक्शन हो तो सोडियम डिशियम और कैल्शियम से रिएक्शन हो के क्या बनाते हैं, इसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सो है जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की। ठीक, आगे बढ़ें। अब आते हैं हम आज के मुख्य टॉपिक पे जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है, विसरण। विसरण को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो हमें विसरण को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि विलेय क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, विलायक क्या है, जो होता है सॉल्वेंट, और विलयन क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है समझना ज़रूरी है, विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो विलेय क्या है, विलेय जो है वह पदार्थ होता है जिसको किसी चीज़ में मिलाया जाता है, ठीक है, मिलने वाला पदार्थ, ये जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। अब विलायक क्या है, विलायक जो है वह पदार्थ है जो घोलता है, ठीक है, घोलने वाला, जिसमें विलेय को मिलाया जाता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। विलेय को क्या है, जिसे हम मिलाते हैं, ठीक है, और विलायक क्या है, जिसमें हम मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में मिलाएं, ठीक है, तो नमक क्या है, विलेय है, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है, या सॉल्वेंट। तो हम जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो टर्म्स है इसकी बात करेंगे तो कंफ्यूज ना होइए, सॉल्यूट मतलब विलेय और सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है। इन दोनों से जो मिलके जो आता है उसको कहते हैं हम विलयन, ठीक है। अर्थात विलयन क्या है, विलयन जो है विलेय प्लस विलायक है, ठीक है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु होते हैं वो कहलाता है विलयन, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ हम विसरण पढ़ रहे हैं, विसरण क्या होता है, इसमें जो है जब विलेय के अणु, ठीक है, विलेय मतलब सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के अणु हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। कब तक मूव करते हैं, जब तक कि वो समानांतर अवस्था में ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक मूव करते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम एक नली लेते हैं, यू ट्यूब, मतलब यू आकार का एक ट्यूब लेते हैं, ठीक, एक ट्यूब को नाम देते हैं ए, दूसरे ट्यूब को नाम देते हैं बी, और इन दोनों को हम लोग अलग अलग रख देते हैं एक ब्लॉक बना के, ठीक
ठीक है, और मैं इसमें ए ट्यूब में पानी भर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये पानी का मूवमेंट होगा? आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। अगर मैं ये ब्लॉकेज खोल दूँ तो क्या होगा, ये लो हमने ब्लॉकेज खोल दिया, तो क्या होगा, तो ये आप कहेंगे कि पानी का मूवमेंट इधर से इधर आ जाएगा, किधर से किधर आ जाएगा, लेफ्ट से ले राइट की ओर आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि लेफ्ट से राइट ही क्यों, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं जाता, ये कभी सोचे हो? नहीं। तो इसका कारण ये है कि जो लेफ्ट है, ठीक है, इसमें जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, और इधर पानी था क्या? नहीं, ठीक है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन पानी के लिए बहुत लो था, इसलिए जो है मूवमेंट जो है ऑटोमेटिक हायर से लेके लोअर की ओर होता है, यही कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर या डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मान लो एक कमरा है, ठीक है, रूम है, इसमें एक कोने में अगरबत्ती जला देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में इस अगरबत्ती का धुआं फैल जाएगा, है ना। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि ये जो अगरबत्ती का धुआं है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, कमरे में कोई गैस नहीं है, ठीक है, या दूसरी गैस है लेकिन ये गैस नहीं है, ठीक, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलने लग जाता है, या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर इसके मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या होते हैं, मूव करने लग जाते हैं, ठीक, ये भी एक डिफ्यूजन का उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैं एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, इसमें वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद क्या किया, मैं कोई सा भी कलर का इंक जो है यहाँ पे टिपका दूँगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो है इस तरह से नीचे आ जाएगा, है ना, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर क्या होगा, मैं ये ग्लास जो है शेक कर दूँ, हिला दूँ, उसके बाद क्या होगा, पूरा ग्लास का वाटर जो है उस इंक के कलर का हो जाता है ना, तो ये क्या है, क्या हुआ इसे, ये पूरा जो है जब हम ऊपर में डाले इसको तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था, ठीक है, लेकिन जब इसको हिलाए तो ये इसके पार्टिकल जो है सभी तरफ पूरे ग्लास के पानी में क्या हो गया, एक समान फैल गया, ठीक है, यही कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है, पानी या विलेय के अणु का समान रूप से फैलाव, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट, ठीक। यहाँ और भी एग्जांपल दिए, जैसे आयरन बॉल का एग्जांपल है, जैसे गर्म बॉल को एक छोटे ठंडे बॉल के संपर्क में लाया जाए तो क्या होता है, ठंडा जो बॉल है वो भी गर्म होने लग जाता है, क्यों, इसमें जो है हीट का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एक बॉल से दूसरी बॉल में उसका हीट जो है ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होता है, यही कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। आगे हम बढ़ते हैं,
डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर को डी पी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल डी बी से। तो ये क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ ऑटोमेटिक एक प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है, ठीक है। द डी पी इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफ्यूज्ड सब्सटेंस, ठीक है, यानी डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी प्रसरण का जो कण है, ठीक है, जो भी डिफ्यूज़ हो रहा है उनके कण जितने ज़्यादा होंगे बल जो है उतना ही अधिक होने लगता है, समझ में आ गया, यानी कण की सांद्रता, कण की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ्यूजन होने लग जाता है, ठीक है। इनके फैक्टर्स देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोग को, तो क्या क्या फैक्टर है डिफ्यूजन को प्रभावित करने के लिए। सबसे पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है डिफ्यूजन उतनी ही आसानी से होता है, ठीक है। अगर किसी सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें तो उसमें और भी विलेय के कण डाले जा सकते हैं, ठीक है ना, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, सॉरी डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ये क्या है, डी, कैपिटल डी जो है ये कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर अंडर रूट स्मॉल डी, ठीक है, जहाँ पे ये डी जो है डिफ्यूजन है और ये जो है डेंसिटी है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि डेंसिटी जो है जितनी कम होगी डिफ्यूजन क्या होता है उतना ही बढ़ते जाता है, ठीक है। इधर क्लियर बता देता हूँ मैं, अगर डी, ठीक है, ज़्यादा होगा तो स्मॉल डी क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है, अगर डी कम है तो स्मॉल डी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर सांद्र विलयन है, विलयन जो है विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसमें डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें डिफ्यूजन कम होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अगर किसी गाढ़े एकदम विलयन है उसमें कोई चीज़ डाला जाए, घोलने की कोशिश किया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे घुलता है, और अगर किसी तनु विलयन है जिसकी डेंसिटी कम है उसमें अगर किसी चीज़ को घोला जाए या मिलाया जाए तो क्या होता है, वो आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो यही जो कहना जा रहा है कि डिफ्यूजन जो है डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है मीडियम की, कैसा मीडियम का प्रकार है, ठीक है, माध्यम जिसमें जो हम विसरण या डिफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिक सांद्र विलयन माध्यम में विसरण जो है कम होता है, ये हम लोग पहले भी देखें, ये जो है हम लोग अभी जो इक्वेशन देखें इसको क्या कहते हैं, ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफ्यूजन में दो सॉल्यूशन के बीच जो भी जितना ज़्यादा अंतर होगा उनके बीच डिफ्यूजन जो है उतनी सी आसानी होगी, ठीक है। अगर कोई पतला, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो है मान लो हीट बॉल का एग्जांपल जो बताए थे वो है, ये एक हीट बॉल है, ठीक है, ये जो है बहुत अधिक ताप में है, ठीक, 1000 डिग्री टेम्परेचर पे है, और एक जो है एकदम कोल्ड बॉल्ड है, ठीक है, बहुत ठंडा ठंडा बॉल है, तो इसमें क्या होता है,
इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। डिफरेंस जो है जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन भी है वो उतनी तेज़ी से होगा, ठीक है। डिफ्यूजन जो है उतनी ही तेज़ी से होगा जितना जो है डिफरेंस होता जाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। अब इसका महत्व क्या है प्लांट के लिए, प्लांट में हम लोग इस डिफ्यूजन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, आयंस के पेसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। पेसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, निष्क्रिय जो आवागमन है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के थ्रू क्या होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जो आयंस है वो मूव करते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं। तब रेस्पिरेशन में भी जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और श्वसन क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर और बाहर डिफ्यूजन के कारण ही होता है। यानी बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंस बाहर और अंदर, इन्हीं के कारण क्या होता है, रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका इनहेलिंग भी उसी के कारण होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी समझ में आ गया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर वेपर जो है बाहर निकलता है। वाटर वेपर कब बाहर निकलेगा, जब बाहर में वाटर की कमी होगी, ठीक है। प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक, वो जो है बाहर निकलेगा किसके कारण, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड स्टोरेज, यानी जहाँ फूड बन रहा है वहाँ फूड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जहाँ काम लिया जा रहा है उसका वहाँ क्या हो जाएगा, फूड की कमी होती जाएगी, एनर्जी लगेगी तो एनर्जी खपत होगा तो खाना ख़त्म होगा, ठीक है। तो खाना जो जैसे ही कम होगा मतलब फूड स्टोरेज की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे लो होती जाएगा। तो जहाँ पर हाई जो है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड स्टोरेज है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड स्टोरेज का मूवमेंट होगा, ठीक है। किसके थ्रू होगा, ये जो है डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ का या सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का एक लिविंग सेल में प्रवेश करना, लिविंग बींग में प्रवेश करना, ये कहलाती है उसकी परमिएबिलिटी। व्हेन अ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए लिविंग सेल द मोशन इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। ये माध्यम या लिविंग सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी मेम्ब्रेन कैसा है। इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग मेम्ब्रेन जो है चार प्रकार के देखते हैं, ठीक, 1, 2, 3, 4, ये चार प्रकार के मेम्ब्रेन जो है प्लांट या लगभग सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रवेश ना कर पाए, ठीक है, ना ही सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट, तो क्या कहलाता है, वो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ऐसा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें केवल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दोनों ही अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये सबके लिए फ्री है, ठीक है, कोई भी आओ कोई भी जाओ हमको क्या करना, ऐसा वाला होता है, ठीक है। तो और तीसरे प्रकार का जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ, ठीक है, सेमी मीन्स हाफ, यानी आधे मॉलिक्यूल, यानी केवल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पार हो पाएंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बाहर रह जाते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं, अंदर या बाहर दोनों
आ जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। इम्परमीएबल मेम्ब्रेन, कोई सा भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर नहीं जा सकता। परमीएबल मेम्ब्रेन सबके लिए फ्री है। ठीक है, सेमी परमीएबल में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के नहीं। ठीक, अब इसमें आते हैं चौथे प्रकार के, जो है ये है एक स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन होता है, जिसमें मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन के बीच कुछ प्रोटीन्स या कैरियर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी में प्लांट में जो है किस प्रकार का मूवमेंट होता है, पर मेम्ब्रेन में कैसे आयंस बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक ने अपने अपने थ्योरीज दी, तो इसको चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। रिटेंशन प्रेशर थ्योरी को कहते हैं हम लोग धारण दाब सिद्धांत। ठीक है, इसको ट्रोब नामक वैज्ञानिक ने 1867 में दिया था। इसमें कहा गया कि कोशिका कला जिससे बहुत अधिक एफिनिटी रखने वाले जो सब्सटेंस है वही क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये जो है मेम्ब्रेन के अंदर गुजर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, बाकी जो पदार्थ है वो बिल्कुल भी अंदर या बाहर नहीं जा सकते, यानी अंदर के बाहर आ सकते हैं ना अंदर बाहर के अंदर आ सकते हैं। इसमें ये कहा गया कि अगर ये सब्सटेंस है, मान लो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है और ये इंट्रा सेलुलर, ठीक है, ये सब्सटेंस है, अगर इसकी घुलनशीलता इस मेम्ब्रेन में है तभी तो ये इससे बाहर हो अंदर जा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये घुलनशील नहीं है तब क्या होगा, ये भी इसमें भी नहीं आ सकेंगे, नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी में इसको सबसे पहले रूलैंड और हॉफमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया 1925 में। इसमें कहा गया कि सेल्स में जो है कुछ अल्ट्रा पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही महीन छिद्र होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रा पोर्स। इससे अब अल्ट्रा पोर्स है तो इसका सीधा सा मतलब है, अल्ट्रा मतलब बहुत छोटा, तो केवल छोटे कण ही जो है इन पोर्स से आर पार जा सकते हैं, आ सकते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आसानी से पार हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट जो है, जो बड़े सॉल्यूट जो है, छोटे सॉल्यूट भी पार हो सकते हैं, लेकिन अगर जो बड़े सॉल्यूट है जैसे इसमें दिखाया गया है, ये बड़े सॉल्यूट जो है पार नहीं हो पाते। ठीक है, यानी बड़े जो मॉलिक्यूल्स है वो नहीं हो पाएंगे, छोटे जो है जिनके आकार जो है उन अल्ट्रा पोर्स के बराबर या उससे कम है तो वो पार हो सकते हैं। ठीक है, सेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने 1936 में अपने रिसर्च से बताया कि ये जो छिद्र है, जो अल्ट्रा पोर्स है, ये जो है बाहरी वातावरण के अनुसार अपना आकार जो है, अपना व्यास जो है बदल सकते हैं, अर्थात ये जो मेम्ब्रेन है इसमें मोबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, अगर ये जो है छोटे बड़े हो जाए तो इनसे क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी आ जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये डायनेमिक होते हैं, जिन छिद्रों के आकार जो है छोटे होते हैं उनमें धनावेश या ऋणावेश जो है वो भी हो सकता है, तो इससे भी मोबिलिटी प्रभावित होती है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी, इसको जो है मैचलीज, स्कॉर्थ और लॉयड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसमें क्या कहा गया, सेल हैज़ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, इसमें जो है कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को धारण किए रहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ चार्जेस होते हैं जिसके हिसाब से वो जो है मॉलिक्यूल्स को
आने और जाने दे सकते हैं। यानी इसमें कहा गया कि किसी पदार्थ की जो परमिएबिलिटी है उसके साइज साइज जो है मेम्ब्रेन पर विद्युत आवेश तथा डिफ्यूज करने वाले कणों के आवेश पर निर्भर करते हैं। यदि जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, प्लस माइनस कुछ भी ना हो, न्यूट्रल हो, तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स जो है कैटायन हो या एनायन वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो चैनल्स हैं उसमें अगर कैटायन चैन अगर कैटायन पाया जाए तो क्या होता है, केवल वही मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे जो एनायन है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव को क्या करता है, आकर्षित करता है, और निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को आकर्षित करता है, ठीक। तो वही चैनल जो है पार हो पाएंगे जो उसके विपरीत चैनल हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है देखो, पोर विद निगेटिव चार्जेस हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्जेस ही पार हो पाते हैं, और अगर पोर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज ही पार हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फैट और लिपिड सॉल्युबिलिटी थ्योरी। फैट और लिपिड सॉल्युबिलिटी थ्योरी जो है ओवर्टन ने 1900 में दिया था, इस जो थ्योरी है उसको, इसमें जो है कहा गया कि वो मॉलिक्यूल जैसे हम लोग पहले वाले में देखे थे, तो वो मॉलिक्यूल जो है जो लिपिड में लिपिड बाइलेयर जो है मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है फॉस्फोडाइस्टर का, ठीक, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, तो इसमें जो पदार्थ घुलनशील होते हैं, ठीक है, वही जो है क्योंकि ये लिपिड है तो लिपिड में जो घुलनशील होगा वही पदार्थ क्या होते हैं, पास हो पाते हैं, ये कहा गया फैट सॉल्युबिलिटी थ्योरी में। नेक्स्ट है कोलाइडल थ्योरी। कोलाइडल थ्योरी में कहा गया कि मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य और उसका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ये जो है पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, बहुरूपी कोलाइडल सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, इसमें जो है फेज इन्वर्जन के कारण जो है मोबिलिटी पाई जाती है या वाटर किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इसमें एक तंत्र होता है जो कि कोलाइडल कणों को धारण करता है और अंदर की तरफ उसका मूवमेंट करवाता है, ठीक है, ये कहा गया कोलाइडल थ्योरी। नेक्स्ट है कैरियर थ्योरी ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। कैरियर थ्योरी में कहा गया कि कोई भी मॉलिक्यूल तब परमिएबल होता है जब वो किसी कैरियर द्वारा धारण होता है और वो कैरियर जो है टर्न होके अंदर की तरफ आता है और मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ छोड़ देता है। इसमें हम लोग यहाँ चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, पहले प्रोटीन द्वारा पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो लिपिड बाइलेयर में है वो क्या होता है, अंदर की तरफ टर्न हो जाता है और उसको जो मॉलिक्यूल पकड़ा है उसको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, इसको देखिए, S इज इक्वल टू सब्सटेंस है, ये जो है ये कैरियर मॉलिक्यूल द्वारा धारण होता है और उसके बाद सेकेंड स्टेप है अंदर की तरफ मूवमेंट होता है इसका, और अंदर की तरफ मूवमेंट होने के बाद ये जो है इसमें अंदर की तरफ छोड़ देता है, सब्सटेंस अंदर चला जाता है इंट्रासेलुलर में और मॉलिक्यूल जो है कैरियर मॉलिक्यूल जो है वापस अपनी जगह में आ जाता है, ठीक है। ये कैरियर मॉलिक्यूल जो है एंजाइम और कोएंजाइम कोई भी हो सकते हैं,
ठीक है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको सबसे पहले कॉकिंग 1995 और इस्माइल और कॉकिंग 1969 में इन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसमें जो है जो 1969 वाले जो सिद्धांत है, इसमें कॉकिंग नामक वैज्ञानिक ने पिनोसाइटोसिस जो है इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है कि कोशिका कला में जो है अतिवृद्धि या आउटग्रोथ होते हैं। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ आउटग्रोथ्स पाए जाते हैं इस प्रकार से थैले के आकार के। इनमें जो है सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है, जो भी बाहर में जो पदार्थ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, तो जो भी पदार्थ बाहर में हैं वो इनमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या होते हैं, ये जो है थैले की भांति ट्रैप कर लिए जाते हैं एक के, और यही जो है क्या कहलाते हैं, कैरियर वेसिकल्स कहलाते हैं। तो इसमें जो है आ जाते हैं, आने के बाद क्या होता है, इन वेसिकल्स का मूवमेंट इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ बढ़ होता है। ठीक है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस में जाते हैं और यहाँ पे जाके ये इनको छोड़ देते हैं, तो इनका मूवमेंट क्या होता है, अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है, और ये जो है अंदर में आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो क्रिया है इसको कहते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो आप उसे ज़रूर देख पाएँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर होता है, पानी जो है कैसे प्लांट में फैलता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं